हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर्स लर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आप बोल सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे इसमें क्या होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझना है पूरा। अब आपका कंसंट्रेशन कहाँ पर रहना चाहिए? बोर्ड पर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आपके टॉपिक्स रहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहेगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, इसके बाद उन चीज़ों के बारे में आप अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए, क्योंकि मेल एंड फीमेल ह्यूमन के अंदर आते हैं, तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम अच्छे से थोड़ा समझना है। कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान समझना है। सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की, मैंने बताया था कि सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, टू टाइप के मोड होते हैं, ठीक है, दो तरह के रहते हैं। तो ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। क्या रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या रहता है? जो आपका मोड है कैसा रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं? टू पेरेंट्स रहते हैं, एक आपका मेल एंड एक आपका फीमेल रहता है। तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, टू टाइप्स के रहते हैं ऑर्गेनिज आपके रहते हैं, टू टाइप्स के रहते हैं। एक तो होता है आपका ओवीपोरस। क्या रहता है? ओवीपोरस, ओवी ओवीपोरस, ओवीपोरस रहता है। और दूसरा आपका रहता है वीवी वीवीपोरस। क्या रहता है? एक आपका ओवीपोरस रहता है, एक आपका वीवीपोरस रहता है। ओवीपोरस में क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिज्म है, जो आपके ऑर्गेनिज्म है, जो मीन्स आपकी बोल सकते हैं फीमेल है, फीमेल आपका जो आपका मदर होती है वो क्या करती है? एग रिप्रोड्यूस करती है। क्या करती है? एग रिप्रोड्यूस करती है। वहाँ पर क्या होता है? एग रिप्रोड्यूस होता है, मीन्स जो आपकी फीमेल है वो क्या करती है? एग को रिप्रोड्यूस करती है। फिर इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर इसके बाद एग ब्रेक हो जाता है और जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आपका डेवलप हो जाता है। किसके अंदर? वीवीपोरस के अंदर। जैसे कि आपके वर्ड्स होते हैं, है ना, आपके क्या हैं? बर्ड्स हैं। आपके क्या हैं? बर्ड्स हैं। ये आपको वर्ड्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे वीवीपोरस। वीवीपोरस किसके अंदर आता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पर आप लोग क्या अंडे से तो निकले नहीं है, है ना, ऐसा तो हुआ नहीं है। आप क्या होते हैं? मीन्स जो मदर है, जो फीमेल है, वो क्या करती है? एक छोटे से एक स्मॉल चाइल्ड को, जैसे हम लोग दिख रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही रहता है, स्मॉल चाइल्ड को क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। कौन? मदर। मीन्स जो आपकी फीमेल है वो क्या करती है? स्मॉल चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करती है। वो क्या होता है? वो किसके अंदर आता है? आपका वीवीपोरस। क्या होता है वो? वीवीपोरस। इसमें क्या होता है? जो मदर एक छोटे से स्मॉल चाइल्ड को, या इन्फेंट बोल सकते हैं आप, उसको क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। किसके अंदर? वीवीपोरस। वो आपका किसमें होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? या तो आपका क्या होगा? मेल होगा या फिर आपका फीमेल होगा। जहां पर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप क्या देखते हैं? या तो आपका मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों मेल हो जाए, दोनों फीमेल हो जाए, क्योंकि दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे? एक आपका मेल होगा या तो आपका क्या होगा? फीमेल होगा। तो वही होता है आपका यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? मेल होगा या फिर आपका फीमेल होगा, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोनों के क्या डिफरेंट होते हैं, वो सब आपको किसमें देखेगा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नाउ उसके बाद बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? कि जो आपके मेल एंड फीमेल है, बॉय या फिर गर्ल है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते, दूर से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये मेल है या फिर फीमेल है। उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर जो जो आप विजुअल जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख के आप बता सकते हैं कि फीमेल है या फिर मेल है। तो वो क्या देखने को मिलता है? वो ह्यूमन में देखने को मिलता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है कि जो आपका सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म है वो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सामने से शो हो रहे होते हैं, आप उनको देख के बता सकते हैं कि ये बॉय है या फिर ये गर्ल है। क्लियर है? बॉय और गर्ल को आप जस्टिफाई कर पाएंगे, दूर से आप देख के जस्टिफाई कर पाएंगे कि मेल है, फीमेल है या फिर बॉय है या फिर गर्ल है। वो किसके अंदर आता है? सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म के अंदर आता है। क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है आपकी, जो रिप्रोडक्टिव फेज है, स्टेज है, वो क्या आफ्टर पॉवर्टी देखने को मिलती है। आफ्टर पॉवर्टी का मतलब क्या? आफ्टर पॉवर्टी का मतलब क्या कि जो आपने एज है, जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि गर्ल्स को जो फीमेल है उनको 18 ईयर की जब हो जाए तब उनको मैरिज करना चाहिए, है ना, 18 ईयर की हो जाए तब वो शादी करेंगी, उससे पहले कानूनी अपराध, ऐसा बोला जाता है। और जो मेल है वो क्या हो जाए? 21 ईयर की हो जाए तब उनको शादी करना चाहिए। तो ये क्या होता है? मीन्स इस एज तक, अगर फीमेल की बात करते हो, इस एज तक क्या है, जो जो पॉवर्टी एज है, मीन्स 12 से लेकर
18 तक, 12 से लेकर 18 तक जो उनकी हार्मोन्स होते हैं, या अगर मेल की बात करते हैं जो उनकी हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वो डेवलप होते हैं। जब अच्छे से एक बार डेवलप हो जाते हैं तो इसके बाद जो मैरिज वगैरह तब करना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई इस एज में करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बच्चियों की, छोटी एज में शादियाँ हो जाती हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, मर जाती है बेचारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर रखा है इस चीज़ को। तो वो क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो कब से दिखना स्टार्ट होती है, आफ्टर पॉवर्टी, मीन्स आफ्टर पॉवर्टी मतलब क्या, 12, जब 12 ईयर या 11 12 ईयर की जब बच्चे होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, तो उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, या उनकी जो एज में, एज तो इफेक्ट कर ही रहा है, एज तो बढ़ी रही है, उसके हिसाब से क्या है कि जो बॉडी के डेवलपमेंट होते हैं वो स्टेज रिप्रोडक्टिव स्टेज से वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी किस एज में, 12 से लेकर 18 ईयर की एज में वो सारी चीज देखने को मिलती हैं। नाउ ये सारी चीज़ें हो गई रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब एक पॉइंट आ रहा है, मैं यहाँ पर साफ कर दे रहा हूँ इसको, एक पॉइंट आ रहा है, ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट आ रहा है आपका कि क्या है कि अगर बात करते हैं, सेक्स सेल की बात करते हैं, जैसे कि आपका हो गया मेल एंड फीमेल हो गया, मेल एंड फीमेल क्या है, जो आप मेल एंड फीमेल में देख रहे हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पर आपका फीमेल एंड मेल में आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, तो जो मेल है यहाँ पर जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या आपकी सेक्स सेल होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था स्पर्म होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका स्पर्म, यानी यहाँ पर आपका ओवम। तो अब क्या होता है, जो सेल्स रिप्रोड्यूस हो रही हैं, तो एक इनकी एज लिमिट होती है, क्या होती है, एज लिमिट होती है, मीन्स अगर फीमेल की बात करते हैं तो अप टू 50 ईयर, मीन्स अगर 50 ईयर तक की बात करेंगे तो इसके बाद क्या होता है कि मीन्स जो सेक्स आपकी सेल हैं वो क्या हो रही हैं, जो फॉर्म होती हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं, मीन्स आपकी फॉर्म होती हैं, कब, किस एज तक, एक 50 ईयर तक की एज तक क्या होती है, वो फॉर्म्ड होती रहती है। इसके बाद उनका जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कभी कभी क्या होता है एंड भी हो जाता है, बिल्कुल 50 मतलब एक आपकी नॉर्मल एज है उसको लिया गया 50 ईयर, ठीक है। इसके बाद हो सकता है वो जो बिल्कुल एंड हो जाए, उनका ख़त्म हो जाए, डेवलप होना स्टार्ट बिल्कुल एंड हो जाता है, किस एज तक, 50, जब वो जो फीमेल है क्या हो जाती है, 50 ईयर ओल्ड हो जाती है। अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल आफ्टर ओल्ड मीन्स अगर बोल सकते हैं ओल्ड ईयर तक, मीन्स टिल बोल सकते हैं टिल ओल्ड, जो ओल्ड एज होती है वहाँ तक उनके जो सेक्स सेल हैं वो क्या होती है, डेवलप होती रहती है। अगर बात करते हैं ओल्ड, जब वे बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड ईयर तक ही उनकी जो सेक्स सेल हैं वो क्या होती हैं, डेवलप होती रहती है। लेकिन फीमेलें क्या हो जाती हैं, इस एज तक बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं, या इस एज के बाद बिल्कुल ना के बराबर एंड हो जाता है, जो सेक्स सेल वो ग्रो होना बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था आपका एक छोटा सा टॉपिक था, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो भी किसके अंदर आती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। तो एक एक इवेंट को आप ध्यान समझिएगा, जो आपकी इवेंट्स हैं या बोल सकते हैं प्रोसेस है, जो आपकी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे गेमेटोजेनेसिस की, क्या है गेमेटोजेनेसिस, आपका गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, जो गेमेटोजेनेसिस आपकी एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं, जो आपके गैमीट्स हैं, या फिर मेल गैमीट्स की बात करेंगे या फिर फीमेल गैमीट्स की बात करेंगे, मेल गैमीट्स हो आपके या फिर फीमेल गैमीट्स हो, कोई भी हो, अगर मेल गैमीट्स की बात करेंगे वो क्या होता है स्पर्म, एंड फीमेल की बात करेंगे वो क्या होता है ओवम, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जो गैमीट्स है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, क्लियर। तो आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस है, इनिशियली आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, जो गैमीट्स है उनका फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस वो क्या होता है, इंसर्मिनेशन। मतलब जैसे कि इंसर्ट, आप अगर नाम सुना होगा इंसर्ट कर देना है ना, इंसर्मिनेशन उस तरह से आ रहा है, हल्का सा रिलेट कर रहा है, तो इंसर्ट इस तरह समझिए आप। तो इंसर्मिनेशन का मतलब क्या है, इंसर्मिनेशन में क्या हो रहा है, जो आपके गैमीट्स हैं वो गैमीट्स से वो ट्रांसफर हो रहा है, गैमीट्स मेल, जो आपके मेल गैमीट्स हैं वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, फीमेल गैमीट्स पर। अब मतलब क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया,
फर्स्ट जो स्टेप था वहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब सेकंड जो आपका स्टेप है उसमें क्या होता है, जो आपके गैमिट्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। गैमिट्स क्या होते हैं, आपकी ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। अब आपकी जो गैमिट्स हैं वो क्या हो गए, ट्रांसफर होगा फीमेल बॉडी के अंदर। क्लियर है, जो आपके गैमिट्स हैं आप बोल सकते हो जो आपका स्पर्म है, जो आपका स्पर्म होता है वो क्या होता है, अब आपका ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ये कौन सा स्टेप, आपका सेकंड स्टेप है। अब बात करते हैं जो आपका थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या है कि अब आपका, आपने पहले क्या देखा, फॉर्मेशन हुआ, जो आपके गैमिट्स उनका फॉर्मेशन हुआ, फिर इसके बाद ट्रांसफर हुआ। जब ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा, मेल जो आपके गैमिट्स हैं फीमेल बॉडी में पहुंचे, फिर वहाँ के बाद उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होगा, फ्यूजन होगा, आपस में क्या होगी, फ्यूज होने के बाद, आपस में फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्पर्म प्लस ओवम मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। क्लियर, तो आपका क्या बनेगा, जाइगोट होगा। अब आपका क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट क्या होता है, एक बोल सकते हैं आप सिंगल सेल है, जाइगोट एक बोलता है, एक बोला जाएगा एक सिंगल सेल है, जो कि क्या हुआ, स्पर्म एंड ओवन का आफ्टर फ्यूजन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वो किसमें होगा, फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है किसका, स्पर्म एंड, या बोल सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमिट्स का, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। अब आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, इम्प्लांटेशन। इसमें क्या हो रहा है आपका, इम्प्लांटेशन मीन्स, इम्प्लांटेशन मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे इम्प्लांट आपका क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं या इम्प्लांटिंग कर रहे हैं, मीन्स कोई चीज़ वहाँ फंस जाना था, फंस जाना वहाँ पर, किस तरह से, समझिए ध्यान से। तो अभी क्या देखा आपने, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का मतलब सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसका क्या होता है, डिवीजन होता है, जो सिंगल सेल आपकी क्या होगा, फर्दर इसका डिवीजन होता है, देन फॉर्म हो जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पहले एक सिंगल सेल थी, फिर धीरे धीरे करके उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपकी सिंगल सेल है वो क्या, जाइगोट, वो क्या आपकी जाइगोट है। फिर इसका क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो क्या है, डिवीजन ऑफ द जाइगोट, मीन्स बहुत सारी सेल्स क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। क्लियर, अब यहाँ पर आप देखिए जो एम्ब्रियो है, तो ये जो एम्ब्रियो है इसके बाद क्या होता है, ये फर्दर और जो इसका फॉर्मेशन है, फर्दर इसका डेवलपमेंट और भी होता रहता है। तो यहाँ पर मैं एक रफली फिगर बना लूँ, तो आप ध्यान समझिएगा, इस तरह से फिगर बना हुआ है। यहाँ पर मैं हल्का सा एक फिगर बनाता हूँ, तो इस तरह से आपका एक फिगर मानिएगा, इस तरह से एक आपका फिगर, इस तरह से मानिएगा, ठीक है, इस तरह से आपका एक फिगर बना है, इस तरह से ये आपका फिगर बना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो बना हुआ है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपकी ओवरी है, ये आपकी क्या, ओवरी है। तो यहाँ पर मंथ, हर ईच मंथ में क्या होता है, एक एग का फॉर्मेशन होता है। एग का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो जो एग का फॉर्मेशन हो रहा, फिर एग से फर्दर क्या हो जाता है, जाइगोट का, यहाँ से क्या हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि एग हुआ। एग क्या होता है, जैसे एग का फॉर्मेशन हुआ वो क्या होगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो जाता है। क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे एक क्या होगा, डेवलप होगा। जब डेवलप हो जाएगा, एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, तो एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इस पोजिशन पर आता है, इसको बोला जाता है यूट्रस वाल। क्या बोलेंगे, यूट्रस वाल, या यू, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ, यूट्रस, यूट्राइन वॉल लिख सकते हैं, या फिर यूट्रस वॉल होता है जो आपका, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ये एक फंस जाता है, इसकी जो वॉल है, जो यूट्रस की वॉल होती है, वहाँ पर ये फंस जाता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, पहले क्या था, जाइगोट था, जाइगोट से फिर इसका क्या हुआ, फर्दर डिवीजन हुआ जाइगोट का, जाइगोट का डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो में फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। एम्ब्रियो आप बोल सकते हैं कोई चाइल्ड नहीं है, एक आपका चाइल्ड नहीं है, ये आप बोल सकते हो थोड़ा सा उसका डिवीजन हो गया, एक आप मीट का एक, इस तरह से बोल सकते हैं, एक पीस है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे लेकिन नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स आपकी क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स हो गई हैं, किसमें, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो का फर्दर जो आपका क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद एक क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आपकी यूट्रस वॉल है वहाँ पर क्या हो जाता है, फंस जाता है, वहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पर यूट्रस वॉल के अंदर। ठीक है, एक रफली डायग्राम मैंने बताया। तो इस तरह से होता है, किसके अंदर होता है, इम्प्लांटेशन के अंदर, किसके अंदर, इम्प्लांटेशन के अंदर। नाउ अब इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसके बाद बात करेंगे, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका, गेस्टेशन। क्या होता है गेस्टेशन, तो गेस्टेशन समझिए, गेस्टेशन में क्या होता है, तो गेस्टेशन में क्या होता है, गेस्टेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता है, और भी इसमें डेवलप होता है,
गेस्टेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है इसका। अभी आपका क्या था, पहले जायगोट था, फिर एम्ब्रियो हुआ, एम्ब्रियो से अब आपका क्या होगा, फर्दर और इसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। वो किस में होता है, गेस्टेशन में, किसके अंदर होता है, गेस्टेशन में। अब लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में प्लेसेंटा, एक आप इसको नाम ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इसका भी फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा क्या भी फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक कनेक्टिंग का काम करता है, क्या करता है, जो एम्ब्रियो है, जो डेवलप हुआ है, जो आपका एम्ब्रियो है, आप इसको लिख सकते हो गेस्टेशन में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पूरा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, क्या होता है एम्ब्रियोनिक, सॉरी हाँ ये आपका क्या है, हाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्लियर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो किसके अंदर होता है, आपका गेस्टेशन के अंदर। यहाँ पर और साथ में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है उसका भी फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा एक कनेक्टिंग का काम करता है, जो कि एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है मदर से, जो माँ होती है, जो फीमेल है, फीमेल की, फीमेल से और जो आपका एम्ब्रियो उसको क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है, मीन्स मदर से और जो एम्ब्रियो है उसका कनेक्शन कर देता है। मीन्स कनेक्शन का मतलब क्या, अब उसको फूड चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब उसको डेवलप होना, डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, मिनरल चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगी, वो मदर से मिलेंगी, जो माँ खाती है वही सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। तो प्लेसेंटा वर्क करता है उसको कनेक्ट करने का, मदर से उसको एम्ब्रियो को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इस वजह से जो उसको फूड है वाटर है, वो सारी सप्लाई उनको मिलती रहती है, क्लियर है। अब यहाँ पर गेस्टेशन हो गया, गेस्टेशन के बाद जो आपकी लास्ट प्रोसेस है पार्सुरेशन, क्या होता है पार्सुरेशन, इसको बोलते हैं पार्सुरेशन। तो पार्सुरेशन में क्या होता है, पार्सुरेशन में अब फर्दर आपका क्या होगा, यहाँ तक आपका क्या होगा, उसका जो कनेक्शन है मदर से वो हो जाता है, इसके बाद फर्दर उसका डेवलपमेंट होता रहता है। फिर पार्सुरेशन में क्या होता है, पार्सुरेशन में आपका जो डिलीवरी होती है, वॉय जो आपकी बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाती है, क्लियर है। यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, जो आपका बेबी है कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। तो पार्सुरेशन में क्या होता है, पार्सुरेशन में वहाँ पर उसका डिलीवरी होती है, जो आपका बेबी है। तो ये सारे इवेंट्स थे, ये सारी इवेंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स किस में चलती हैं, ये आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होती है। तो देखिए एक बार और मैं जल्दी से स्पीड में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में क्या होता है, आपका जो फर्स्ट प्रोसेस होती है क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स का जो आपके सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, सेक्स सेल्स, उनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन, क्या होता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो आपका गैमिट्स है वो ट्रांसफर होते हैं ह्यूमन से, सॉरी जो आपके ट्रांसफर होते हैं मेल से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, गैमिट्स आपके, ठीक है, किसके, मेल गैमिट्स फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, किसके अंदर, इंसेमिनेशन में। अब इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जो आपके गैमिट्स उनका आपस में फ्यूजन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो आपका जाइगोट है वो किसमें, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो आपका क्या हो जाता है, जो आपकी आपकी यूट्रस वॉल होती है उसमें क्या हो जाता है, फंस जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे गेस्टेशन, गेस्टेशन में क्या होता है, गेस्टेशन में आपका क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर क्या होगा, इसका एक चाइल्ड की फॉर्म में उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मदर से कनेक्ट हो जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। ना उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है पैश्चुरेशन, क्या होता है पैश्चुरेशन में क्या होता है, अब वहाँ पर जो आपका बेबी है उसका क्या होगा, उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो फाइनली आपका जो चाइल्ड है वो क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। ये सारी आपकी इवेंट्स हैं, प्रोसेस हैं, जो कि हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक्स था यहाँ पर ये फिनिश होता है टॉपिक। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।